आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मैंने इन 3 महीनों में कैसे काम करके ले लिया एक आईफोन 11। वैसे तो ये बात मुझे ही पता है, आप लोग के लिए एक आईफोन 11 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैंने तो बोला कि इस रेडमी नोट 9 से स्टार्ट किया था और कुछ महीने बाद इस आईफोन से, जो कि मेरा नहीं है आइस का है, लेकिन कुछ महीने बाद मुझे उसको भी लौटाना पड़ गया। अब मेरे पास बचा था रेडमी नोट 9 प्रो जिसका कैमरा खत्म था, तो मैं ब्लॉग तो स्टार्ट कर नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब इसे बेच दिया जाए। अब उसे बेचने के बाद मुझे ज्यादा नहीं बस 3-4 हजार रुपए मिले थे, सीधा सीधा बोलो तो 4 ही हजार मिले थे, और उसके साथ 3 महीना फोन न चलाने का सजा। अगर गर्लफ्रेंड से बात करना रहता था तो मैं दोस्तों से फोन मांगता था, भाई थोड़ा फोन दे दे, पैर पकड़ लेता था, लेकिन फिर भी फोन मिल जाता था। खैर इन 3 महीने भीख मांगे जैसे फोन मांग के चलाने के बाद मम्मी ने दिए कुछ पैसे और कुछ पैसे दिए हमारे सर ने, बोले तो हमारा टीम का लीडर। फिर क्या, हमने ले लिया आईफोन 11, उसके बाद 3500 का चार्जर और 3000 वाले एयरबड्स लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले गुस्से में मैंने तोड़ के फेंक दिया। अब उसका डब्बा बचा है मेरे पास, कोई आना मेरे घर दे दूंगा ले जाना, लेकिन अभी चाहिए आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, क्योंकि 100K करना है वो भी 4 महीने में। चलो मिलते हैं, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।